इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सियासत गरमाई हुई है, लेकिन लखनऊ में उस वक्त इसको और ज्यादा आग तब मिल गई जब एक खबर आई और विपक्ष ने आरोप लगाए कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाए कि स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रमाबाई मैदान के स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए और उनका कहना है कि यहां पर एक गाड़ी आती है, अपर सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी जिसमें अधिकारी होते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको रोका जाता है और जब गाड़ी को तलाशा जाता है, इनका कहना है कि जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उसमें कई सारे अवजार निकलते हैं और वो अवजार ऐसे थे जिनसे मंशा थी लॉकर को तोड़ने की। तो उसमें प्लास बताया जाता, उसमें छेनी, हथौड़ी, ऐसे कई सारे अवजार बताए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप के दौरान। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा शुरू कर देते हैं और चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कहते हैं। इन सब के बीच में मामला तूल तब पकड़ लेता है जब अखिलेश यादव भी इसको लेकर ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव ट्वीट कर क्या कहते हैं, जरा वो जानिए। तो अखिलेश यादव कहते हैं, लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक वोटिंग के बाद काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रूम के सामने डटे रहिए। और ये फेज वन के इलेक्शन के बाद से ही हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम की कैसे रखवाली की जा रही है, रात में शिफ्ट्स लगती हैं कार्यकर्ताओं के। लेकिन ये मसला सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाया बल्कि इसको बीएसपी की तरफ से भी उठाया गया। सतीश चंद्र मिश्र ने भी इसको लेकर गंभीर हमले किए, एक ट्वीट किया। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, सरकार द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ के रमाबाई मैदान के स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी की जा रही है। बीएसपी इस मामले का पुरजोर विरोध करती है। चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो ये इलाका आता है लखनऊ सेंट्रल में जहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं रविदास मल्होत्रा। तो रविदास मल्होत्रा कहते हैं कि हम लोग अपने कैंप में बैठे हुए थे, तभी खबर आई कि एक गाड़ी में 3 से 4 लोग सवार होकर अंदर गए हैं। गेट नंबर 2 से गाड़ी गई थी, जब हम लोगों ने चिल्लाया तो वहां वो गाड़ी बाहर निकल गई। उस गाड़ी में लखनऊ सेंट्रल के आरओ के साथ 2 अन्य लोग बैठे थे जो भाग गए। उस गाड़ी के अंदर छेनी, हथौड़ा, आरी, ताले, सील, पेचकस, तमाम वो सामान रखे थे जिससे ताले टूट सकते हैं। हमने गाड़ी चेक करी उनकी, तो उस गाड़ी के अंदर छेनी, हथौड़े, आरी, ताले और सील और पेचकस, तमाम वो सामान रखा था जिससे ताले टूट सकते हैं। और वो लोग वहां पर अंदर गाड़ी को जब रोक है, जब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है और खुद वो आरओ जो 1 महीने चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है उसको सब नियम कानून मालूम है, वही अधिकारी जो है लखनऊ सेंट्रल का आरओ इसके अंदर यहाँ गया, हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसकी गाड़ी में ये सामान मिला है। हम लोगों ने ये मांग करी है तत्काल रूप से कि चुनाव आयोग यहाँ पर प्रवेशक भेजे और यहाँ पर मतगणना जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। तो यहाँ ये गंभीर आरोप हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए, पहली बात तो प्रतिबंधित है कि स्ट्रॉन्ग रूम में कोई अधिकारी जाए और अगर कोई आता भी है उधर तो इन औजारों की जरूरत क्या थी। पहले से ही विपक्ष की तरफ से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगाया जाता रहा है, सत्ता पक्ष पर लगाया जाता रहा है। और राकेश टिकैत भी ये कहते हैं कि चलिए बीजेपी अगर मान लेते हैं जीत भी रही है तो वो जीत कैसे रही है, ये सबसे अहम है। तो अब इस पर चुनाव आयोग का क्या रिएक्शन आता है, इस पर क्या कहा जाता है तमाम अधिकारियों की तरफ से, उस पर हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल तमाम खबरों के लिए, पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in।